ए धमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों का अमरजीत धमान वालों निघा निघा स्वागत है जी। सो बाबा सोढ़ी मंदिर कुराली दे विच असीं पहुँच चुके हैं। सो जिथे के छोटे छोटे बच्चे जिन्हां नूं एक साल हो गया अज इत्थे सिखलाई दिंदिआं नूं, सो इन्हां बच्चों नूं सनातन धर्म दे नाल जोड़िया जाता है, सनातन धर्म की जानकारी दी जाती है, कीर्तन भजन सिखाया जाता है। सो जिमें कि किसी बच्चे का जन्मदिन हुंदा है, सो हर संडे इकट्ठे हो के इत्थे ही भजन कीर्तन करके केक कट के उन्हां दा जन्मदिन भी मनाया जाता है। हर संडे इत्थे बच्चे आउंदे ने अते सिखलाई लैंदे ने। सो अज एक पूरा साल हो गया यह सिखलाई लैंदिआं नूं। सो अज इस मंदिर दे विच असीं पहुंचे हैं ते गलबात करदे हैं, बच्चियां नाल भी गलबात करदे हैं जो अज इन्हां नूं गिफ्टां दित्तियां जा रहियां ने इनाम दे तौर ते, क्योंकि यह बच्चियां दे विच उत्साह वधाउण दे लई यह गिफ्टां दित्तियां जा रहियां ने, अते जिन्हां बच्चियां दा जन्मदिन है वह जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। तो आओ आपां गलबात करदे हैं इन्हां बच्चों के नाल अते इस मंदिर के जो पुजारी ने पंडित जी ने उन्होंने नाल। ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿਓ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋਂ ਕੋ, ਹਮਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਧਰਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਯੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ। हमने बच्चों को जोड़ने का कोशिश किया, हर संडे को 11 से 12 बजे तक बच्चों को हनुमान चालीसा, भजन कीर्तन,
करने के लिए सभी ने सहयोग किया और बच्चों ने सीखने के लिए थोड़ा अपना भाव बदला, वो यहाँ एकत्रित होने लगे और आज पूरा साल होने के उपलक्ष्य में उन सबको गिफ्ट दी गई है। जिस बच्चे ने अच्छा सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ किया उसको फर्स्ट प्राइज दिया गया। फिर इस तरह से तीन चार बच्चों को हमने दिया, लड़कियां भी थी उनको भी दिया और हमारी आंटी का बहुत सहयोग रहा। इन्होंने किसी भी संडे को बच्चों को यहाँ ऐसा नहीं कि आकर इनको प्रसाद और भोग नहीं बांटा हो, और हमारी आंटी का इतना सहयोग था कि हर संडे को बच्चों को एकत्रित कर उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना और उन्हें श्री राम की महिमा का गुणगान कराना, किसी भी प्रकार का भोलेनाथ का भजन कीर्तन कराना उनका सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम जी। हाँ जी। तो की कहूँगे जो अज ये थोड़े वालों ये बच्चों गिफ्टां भी दतियां गई ने। एक साल हो गया जो बच्चों सिखदियां नूं इन्होंने जो भजन सिखे ने ते हनुमान चालीसा भी करदे ने। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी बच्चों नूं जोड़ के, क्यों बच्चे सारे के सारे जो है अब वो धर्म के प्रति उनको इतना नहीं पता है ना, सारा दिन बच्चे फ़ोन वगैरह चलाने में रहते हैं। एक संडे का दिन तभी रखा उनके लिए कि वो भगवान के नाम से जुड़े, अपने धर्म के साथ जुड़े, उनको पता लगे कि हमारा सनातन धर्म कितना विशाल है, कितना बड़ा है, इसलिए उन बच्चों को सबको फिर ये सिखाया। कितने के बच्चे लगभग हो जाते हैं? 50 बच्चे हो जाते थे जी कम से कम। हाँ जी 50। हर संडे आ जाते थे? हर संडे। हाँ जी हर संडे आते थे, कोई संडे ऐसा नहीं था कि बच्चे नहीं आते थे जी। हर संडे बच्चे आते थे और सब हम आके पूरा वो करते थे। इन्होंने फंक्शन में भाग लिया था कृष्ण जन्माष्टमी को भी, सब बच्चों ने अपने आप ही फंक्शन करा इस बार इन्होंने सबने। हाँ जी, आज इनका एनुअल था। तीजों का भी प्रोग्राम किया था हमने, बच्चों ने तीज फेस्टिवल भी मनाया और उनसे भी हमने कुछ सीखा और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छा लगा हमें। श्रद्धा भावना हैगी है, श्रद्धा भावना हैगी है बच्चों च। सारे बच्चों ने भजन भी आगे बोलने, हनुमान चालीसा का आज कंपटीशन था, सब बच्चों ने बहुत अच्छा सुनाया। कंपटीशन था उनका बच्चों का हनुमान चालीसा का। हाँ जी, और अच्छा हर एक संडे खुश होके आते बच्चे और खुश होके जाते ने। हाँ जी बहुत खुश रहते ने बच्चे और घंटे तो बद इंजॉय कर लिया इन्होंने। मकसद यही था हमारा कि बच्चे जो है ना धर्म के प्रति जुड़े, सनातन धर्म के प्रति जुड़े, अपने हिंदू धर्म को जाने बच्चे के क्या धर्म है हमारा है ना, कितना विशाल है। हाँ जी थैंक यू। ठीक है जी थैंक यू। की नाम है बेटा? कनिका। तुम अज कितने आए हुए हो? मंदिर में। मंदिर के ते ए तो अनु गिफ्टा क्यों मिलिया ने? हनुमान चालीसा दे कंपटीशन था। अच्छा ठीक है, तुसी इत्थे सिखदे हुंदे हो? की सिखदे हुंदे हो? भजन। कौन सिखाउंदा हुंदा? आंटी, शशि आंटी। शशि आंटी। सुना दो लाइनां सुनानियां। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारा की नाम है? मन्नत। तुसी भी भजन सीखे हैं? यस। सो आज तुहानू कितनी को खुशी है, गिफ्टां भी मिलियां ने? बहुत ज्यादा खुशी। बहुत ज्यादा। तुम्हारा की नाम है? आलिया। सो आज तुहानू ये गिफ्टां मिलियां ने, कितनी खुशी है? बहुत। अच्छा, ये क्यों मिली हैं? हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ते सी। ठीक है, कोई शब्द भजन आउंदा सुनाऊंगा। मेरी चौखट पे चल के आंध चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। की नाम है बेटा? वंश। अज मंदिर दे विच तुहानू गिफ्टां मिली है, किवें लग रहा? बहुत वधिया। बहुत वधिया। क्यों मिली हैं? हनुमान चालीसा सुनाई। ओके। कोई भजन भी आंदा तुहानू? हाँ जी। सुनाऊं? गले में जिसके नाग, सिर पे गंगे का निवास, वो नाथों का है नाथ भोले नाथ जी, करता पापों का विनाश, कैलाश पे निवास, डमरू वाला वो भोले नाथ जी। तुहाडा की नाम? दीपक। अज फिर बैग मिल गया, होर की मिलिया? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा।
सनातन धर्म दे नाल जुड़े हुए जी हाँ जी भजन आउंदे हाँ जी कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम ललाट पे मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से ना रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।